स्वागत है आप सभी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स के लेक्चर नंबर 11 में और लेक्चर नंबर 11 में आज हम बात करेंगे फीमेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में बर्थोलिन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझेंगे मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे साथ ही में जानेंगे मिल्क सिक्रेशन की प्रोसेस को और मिल्क सिक्रिटरी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स के पिछले सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के अंत में मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर फीमेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड में सबसे पहले बात करेगी बर्थोलिन ग्लैंड की जिसको वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं जो वन पेयर होता है अगर इसके लोकेशन की बात करें तो जस्ट बिहाइंड द लेबिया मेजोरा ऑन ईस्ट साइड लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा की लेयर होती है और लेबिया माइनोरा किसको कवर करता है वेजाइनल ऑरफिस को कवर करता है ओपनिंग को कवर करता है तो उसके ईच साइड में ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है वन पेयर नंबर में टू होती है ये सिक्रीट करती है म्यूकस को इट मींस मेल्स में इसको कापर्स ग्लैंड का सिमिलर माना जाता है जैसा मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कॉपर्स ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करता है इट मींस लुब्रिकेशन करने का काम करता है पेनिस को ड्यूरिंग अ कापोलेशन उसी तरीके से ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है म्यूकस को सीक्रेट करता है और इसके फंक्शन को भी देखे तो समवांट का अपर ग्लैंड से सिमिलर है लुब्रिकेट द वल्वा इट मींस वल्वा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें कि लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस ये सब पार्ट आते हैं इसको लुब्रिकेट करेगा विजाइना को ड्यूरिंग अ क्वाइटस ऑल्सो प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन बच्चे की डिलीवरी पार्ट्यूरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ अ बेबी के समय यह क्या करेगा पार्ट्यूरेशन के समय लुब्रिकेशन का काम करेगा यहाँ पे अगली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करें दट इज द मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट है मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर इट मीन नंबर में टू वन पेयर प्रेजेंट होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है बोथ साइड ऑफ स्टर्नम जिसको कि ब्रेस्ट बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड वन पेयर प्रेजेंट होता है मेमोरी ग्लैंड की बात करें तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड इट मीन जो स्वेट ग्लैंड होता है उसका ये मॉडिफिकेशन है थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है ये ये सिक्रीट करता है मिल्क इट मींस मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है मिल्क सिक्रीशन का काम करना बच्चे को नरिशमेंट देना आफ्टर पार्टेशन इट मीन डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क इट इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन होता है मिल्क होता है वो फुल ऑफ एंटीबॉडीज होता है इसीलिए बताया जाता है कि बच्चे के लिए वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं तो मेमरी ग्लैंड मिल्क को सिक्रीट करता है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेल्स में बात करें तो दीज आर रूडिमेंट्री ये रूडिमेंट्री होते हैं यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर तो जो टिप ऑफ द ब्रेस्ट है इसको हम लोग निपल कहते हैं जहां पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूं अगर हम लोग निपल की बात करें तो यहाँ निपल के रीजन में सेबिस्कस ग्लैंड प्रेजेंट होता है सेबिस्कस ग्लैंड जिसको कि हम लोग ग्लैंड ऑफ मॉन्टी गोमेरी कहते हैं निपल के अराउंड आप इन सर्कल डार्क एरिया होता है उसको एरियोला कहते हैं याद रखिएगा निप्पल के अराउंड जो डार्क सर्कल्ड एरिया आप देख रहे हैं दैट इज द एरियोला ब्रेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मेमोरी लोब्स इट मींस जो ब्रेस्ट है वो 15 टू 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड है एंड दीस मेमोरी लोब्स कंटेन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स दीस ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज एल्विओलाई इट मींस यही एल्विओलाई के अंदर क्या होता है मिल्क सीक्रेट होकर के स्टोर रहता है एंड देन वो एक डक्ट सिस्टम के द्वारा निपल्स के द्वारा बाहर होगा यहाँ पे बात करें तो मेमोरी लोब्स जिसमें एलवियोलाई है ये मेमोरी डक्ट के द्वारा अपने सिक्रीशन को इटमिस मेल को बाहर करेंगे और मेमोरी डक्ट के बाद वो कनेक्ट करेगा लेक्टिफेरस डॉक्टिफेरस डक्ट किसको कनेक्ट करेगा निपल्स को जिसके द्वारा मिल्क को आउट किया जाएगा यहां तो से समझिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन है और यहाँ पे मिल्क इजेक्शन हार्मोन की बात करें दैट इज ऑक्सीटोसिन ये सिक्रीट होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ बेबी बच्चे को डिलीवरी में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन मिलते हैं नेक्स्ट क्स्ट वीडियो में और बात करेंगे ऊजेनेसिस के बारे में ऊ जेनेसिस को विद डायग्राम समझेंगे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शहदय से धन्यवाद